हेलो नमस्कार दोस्तों, 22 जून 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम द हिंदू के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल से वो डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो एक बार नज़र मार लेते हैं कि कौन कौन से एडिटोरियल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो एडिटोरियल है ये एक्चुअली रशिया में जो वर्ल्ड कप चल रहा है, फीफा वर्ल्ड कप, उसके बारे में है। तो हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि कुछ अभी खास पॉइंट आए नहीं है। बस इसमें इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये होगा कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, तो वो हम लास्ट में देख लेंगे। तो अभी कुछ काम है नहीं। यहाँ पे ये जो आर्टिकल दिया गया है ये एक्चुअली जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बताया गया है। जम्मू एंड कश्मीर की जो सिचुएशंस हैं उसके बारे में भी बताया गया है कि किस तरीके की सिचुएशन वहाँ पे हो गई है। इसमें बताया गया है कि देखो, नेहरू के टाइम पे उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस दे दिया गया था। इसकी वजह से वहाँ पे मतलब उनको ज़्यादा राइट्स वगैरह मिल गए थे, और एक तरीके से देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट और उन दोनों में थोड़े डिफरेंसेस वगैरह रह गए थे। और उसी बात को लेकर आज बार बार उस चीज़ का इशू है वो उठाया जाता है। और जब भी आर्टिकल 370, जिसको बताया आपको जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, उसको हटाने की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं विरोध वगैरह होता रहता है। एक साइड है पूरा देश कहता है कि नहीं भाई हटा देना चाहिए, बाकी जम्मू एंड कश्मीर में इसके खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू हो जाती हैं, ह्यूमन क्राइसिस की बातें सामने आ जाती हैं, तो हम लोग काफ़ी माहौल गर्मा गर्मी हो जाती है। तो उस बात को यहाँ पर राइटर वो डिस्कस कर रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर के जो रिसेंटली हालात हैं, जैसे अभी आपको बताया वहाँ पर PDP की गवर्नमेंट थी, तो अभी रिसेंटली PDP और जो BJP का अलायंस था वो टूट गया है, इसलिए वहाँ पे स्टेट इमरजेंसी वो लगा दी गई है। हालात थोड़े ज़्यादा ख़राब भी चल रहे हैं, उस बात को लेकर यहाँ पे डिस्कस वो किया गया है। तो कुछ नए पॉइंट यहाँ पे आए नहीं है, तो उस बात को हम ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करें। बस जो बेसिक पॉइंट थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए गए कि स्पेशल कैटेगरी जो स्टेटस दिया गया है उसकी यहाँ पे बात की गई कि भाई इसे हटा देना चाहिए, बट इसे अभी तक हटाया नहीं जा रहा है। वो सारी बातें यहाँ पे हैं, राइटर कह रहे हैं कि हटा देना चाहिए, एक साइड कह रहे हैं कि नहीं हटाना भी है, तो वो सारे पॉइंट हैं। तो कुछ इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं कि यहाँ पे जो आर्टिकल है ये एक्चुअली ट्रेड वार के बारे में है कि आज किस टाइम से पूरे किस तरीके से देखा जाए। तो देखो, आज पूरे विश्व में एक तरीके से ट्रेड वॉर की हालत है वो क्रिएट हो गई है। आपको बताया कि चाइना ने देखा जाए तो चाइना की हाल ट्रेड वॉर स्टार्ट हो गया था USA के साथ, फिर USA का इंडिया के साथ हो गया, फिर जापान का, इस तरीके से ट्रेड वॉर की पूरी एक श्रृंखला सीरीज है वो स्टार्ट हो गई है। तो इसे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये जो आर्टिकल है इसमें भी काफ़ी अच्छे पॉइंट्स दिए गए हैं, तो इनको भी योगा वगैरह के बारे में, तो जो योगा डे था कल एक्चुअली उसके बारे में यहाँ पे बताया गया, तो उसको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एजुकेशन सिस्टम पे क्या इफेक्ट वगैरह पड़ रहा है। यहाँ पे ये जो आर्टिकल दिया गया है ये एक्चुअली दिया गया है कि क्या दिल्ली को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है, सॉरी क्या दिल्ली को जो स्टेट का दर्जा है वो दे देना चाहिए, फुल स्टेट की बात यहाँ पे की जा रही है। तो उसके बारे में तीन पॉइंट आए हैं, तीनों पॉइंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, येस नो और कॉम्प्लीकेटेड वाले। तो डिस्कशन है वो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम योगा के बारे में डिस्कस करते हैं कि देखो, कल इंटरनेशनल योगा डे था, तो उसी मौके की बात यहाँ पे की जा रही है कि योगा है उसको इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर पुट आउट कर देना चाहिए। तो यहाँ पे वो सारे पॉइंट हम देखेंगे कि क्या क्या बेनिफिट हैं और क्यों हमें योगा की नीड है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। देखो, थोड़ा बैकग्राउंड के साथ चलते हैं। आज के टाइम पे हमारे एजुकेशन सिस्टम, आपको बताया कि काफ़ी पुराना एजुकेशन सिस्टम आज के टाइम पे इंडिया है वो चला रहा है। अंग्रेजों के टाइम का जो एजुकेशन सिस्टम है उसके बेसिस पे हमारी एजुकेशन सिस्टम वो चल रहा है। आज के टाइम पे भी आपको बताया, जिस तरीके देखा जाए हमारे स्कूल में हमें केवल इसी तरीके की टीचिंग दी जाती है कि बस केवल पढ़ो और मार्क्स लेके आओ, आपके 90% मार्क्स आ गए मीन्स आप इंटेलिजेंट हो, अगर आपको खेलने मिलने में इंटरेस्ट, आप ज़्यादा अच्छा खेलते हो तो मतलब आपकी कोई वैल्यू नहीं है। यही इस तरीके का सिस्टम चल रहा था, क्योंकि देखो अंग्रेजों के टाइम की डिमांड अलग थी। अंग्रेज थे उस टाइम पे, उनका सोचना ये था कि यार इंडस्ट्री वगैरह लग रही है तो उनको जॉब के लिए जूझ चाहिए थी, मतलब उनको जॉब के लिए आप बोल सकते हो किसी वर्कर की जरूरत होती थी, और इसीलिए वो उस तरीके का एजुकेशन सिस्टम में वो रखते थे। अब देखो आज के टाइम पर राइटर का कहना है कि सीनेरियो काफ़ी चेंज हो गया है। उस टाइम पर सीन क्या था कि इंडस्ट्री लग रही थी इसलिए एक्चुअली लेबर की जरूरत थी और इसीलिए जॉब के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता था, बट आज के हालात कुछ अलग हैं। आज आपको पता है कि एजुकेशन में सिस्टम में चल तो वही पुराना रहा है, बट आज के टाइम पे यूथ है वो खुद जॉब की बजाय खुद अपना बिजनेस वगैरह सेटेबल करने की तरफ अग्रसर है, बट हमारा एजुकेशन सिस्टम इस चीज को अलाउ नहीं करता है क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो आज भी पुराने सिस्टम की तरफ ही चल रहा है। इसकी वजह से जो यूथ है आज वो भी जॉब की तरफ ही लगातार अग्रसर हो रही है। कोई जॉब करना नहीं चाहता है बट फिर भी एक मजबूरी हो गई है कि नहीं यार घर वाले कह रहे हैं, नहीं यार शादी नहीं होगी, नहीं यार ये रीजन, नहीं यार वो रीजन है, चाहता कोई भी नहीं है, सब अपने अलग अलग काम है वो करना चाहते हैं, बट एक बोलते ना कि मेंटली सिस्टम हो गए, वैसे खरार की चल गई कि हाँ भाई ऐसे है, पढ़ना है, 12th पास करनी है, उसके बाद ग्रेजुएशन करनी है, फिर जॉब लगना है, फिर बस ये करना है। तो एक तरीके ऐसा सिस्टम बन चुका है, तो उसी चीज से हमें कहीं ना कहीं मूव आउट करने की अभी जरूरत है, अभी टाइम आ गया है। तो योगा हमारी काफी हेल्प कर सकता है स्टडी के मामले में हम देखें तो। आपको पता है कि आज का जो एजुकेशन सिस्टम है ना उसमें यूथ, हर यूथ को स्ट्रेस की जैसी प्रॉब्लम है, इसके साथ ही मेंटली काफी डिस्टर्ब रहते हैं, इसके साथ देखा जाए तो इमोशंस का काफी बड़ा इशू रहता है, फिजिकल फिट नहीं रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एनी टाइम बस यही चीज रहती है कि भाई पढ़ो पढ़ो मार्क्स लेके आने, आपको टॉपर बनना है। अभी नहीं पता कि भाई टॉपर बन के जाना कहाँ पे, वो चीज नहीं पता है, बस आपको केवल पढ़ना है, टॉपर बनना है। इसके बाद में बात आती है कि देखो बिहेवियर की बात आती है। आज के टाइम पर मैक्सिमली जो स्टूडेंट हैं वो अकेले पढ़ते हैं, अब अगर अकेले पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली उनको अकेला फील, लोनली फील होंगे, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ है, स्ट्रेस है, वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। इसके साथ ही एग्जाम ओरिएंटेड की बात यहाँ पे आती है। आपको पता है कि आज के टाइम पे एग्जाम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है और इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है उसमें एक्चुअली देखा जाए तो कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं वो स्टूडेंट को फेस करनी पड़ रही हैं।
अब योगा क्या कर सकता है, योगा इन सबसे हमें निजात दिला सकता है, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि आपको बताया कि योगा है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस को रिलीफ करने में काफी हद तक सफल और काफी अच्छा बेस्ट एग्जाम्पल आप बोल सकते हो कि योगा से आप अपने स्ट्रेस को दूर कर सकते हो। इसके साथ ही जो ओरियंट एग्जाम ओरिएंटेड जो हमारा सिस्टम है उसमें भी आपका अगर माइंड फ्रेश रहेगा तो आप इजीली एग्जाम में अच्छे मार्क्स वगैरह स्कोर वो कर सकते हो। इसके साथ अगर आप योगा कर रहे हो तो आपकी हेल्थ है वो तो अच्छी रहेगी रहेगी, फिजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी, मेंटली भी आप डिस्टर्ब नहीं रहोगे और जो इमोशनल इश्यूज वगैरह होते हैं उनसे भी आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट है वो होने वाला है। अब बात आती है मेंटल की। देखो मेंटली कई बार के स्टूडेंट डिस्टर्ब हो जाते हैं कि यार नहीं सारे दिन में पढ़ना पढ़ना अकेले रहते हैं, तो ऐसे माहौल में अगर वो यूथ है वो योगा कर रहे हैं मेडिटेशन जैसी चीज़ें कर रहे हैं तो उनको काफ़ी हद तक शांति मिलती है, उनका माइंड वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, तो वो सारे काफ़ी बेनिफिट्स हैं। तो इन हालातों को देखते हुए, इन पॉजिटिव पॉइंट को देखते हुए गवर्नमेंट ये चाह रही है कि भाई क्यों ना इन योगा को हमारे एजुकेशन सिस्टम में पुट आउट कर दिया जाए। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि यूनेस्को का जो इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज है ऑफ ह्यूमैनिटी उसका भी स्टेटस दिया गया आपको बताया योगा का। इसका मतलब ये हुआ कि ये इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज का मतलब हुआ कि वो विरासत जो कभी भी खत्म नहीं हो सकती, आगे कंटिन्यू सतत रूप से चलने वाली है, तो उसका दर्जा भी यूनेस्को द्वारा आपको बताया योगा को दिया गया है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। तो वैसे तो ये प्रीलिम्स का फैक्ट है वो बन जाता है यहाँ पे। इसके बाद में देखो बात ये आती है कि आज के टाइम पे जो सिस्टम है ना हमारा उसमें काफ़ी सारी दिक्कत आ रही है यूथ को। एक तो सबसे बात है कि फ्री और जो फिजिकली है मेंटली सब है वो भी काफ़ी कम है, बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो अगर ऐसे माहौल में योगा को इंट्रोड्यूस करते हैं या योगा डेली अपनी लाइफ में योगा अपनी डेली लाइफ में पुट करते हैं तो उनका काफ़ी हद तक उन्हें अच्छा रिजल्ट है वो मिलने वाला है। इसके साथ ही देखो जब भी स्टूडेंट होते हैं ना वो क्या करते हैं, जब भी वो मिस्टेक करते हैं वहीं से सीखते हैं, अगर आप वो मिस्टेक करेंगे नहीं तो सीखेंगे कहाँ से। इसके साथ ही मल्टीपल टैलेंट की बात की जाती है। देखो पुराना जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना इसमें मल्टीपल टैलेंट पे फोकस नहीं किया था। आप एग्जांपल ले लो 3 8 8 मूवी का ही या तारे जमी का एग्जांपल ले लो, सॉरी वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको पता है कि तारे जमी का एग्जांपल क्या है कि उस बच्चे को एक्चुअली स्टडी में इंटरेस्ट नहीं होता है, उसे पेंटिंग वगैरह में इंटरेस्ट होता है। तो सेम उसी तरीके से बच्चे का जो टैलेंट है वो देखना चाहिए कि यार ये पढ़ना चाहता है या फिर बिजनेस कौन से डायरेक्शन में काम करना चाह रहा है, कौन सी दिशा में इसका इंटरेस्ट है और उसी दिशा में उसे काम करने के लिए मोटिवेट है वो करना चाहिए। होता क्या है कई बार देखो कुछ लोग कहते हैं अरे यार तेरे से क्या होगा हमने करके छोड़ दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से डिमोटिवेट करने की बजाय अगर आपसे नहीं हुआ तो इसका मतलब ये थोड़ी कि किसी से नहीं होगा। आपको हमेशा किसी को अप्रिशिएट करना चाहिए, कभी भी किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। इवन आपको ये चीज़ अपनी पर्सनल लाइफ में भी फॉलो करनी चाहिए। कोई भी इंसान ऐसे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हो या फिर कोई भी और एग्जाम की, कई बार देखो स्ट्रेस आ जाता है क्योंकि यूपीएससी की जो तैयारी है वो ऐसा नहीं कि एक या दो दिन की तरह तैयारी है। आपने एक महीने पढ़ लिया है दो महीने पढ़ लिया तो आपको मार्क्स मिल जाएंगी, काफ़ी लंबे टाइम तक आपको पेशेंस बना के रखना होता है तभी आपको अच्छा स्कोर है वो मिल पाता है। मतलब बहुत लंबी जंग है, इसके बीच में देखो बोलते हैं ना कि लाइफ अप डाउन सीन होता है, कभी उतार आते हैं तो कभी चढ़ाव, ऐसे सीन है वो चलता रहता है। तो उसी आधार पे हमें लाइफ को देखते हुए चलना है और जब भी डिमोटिवेट होते हैं तो हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। ये नहीं है कि यार डिमोटिवेट हो रखा है तो कोई बात नहीं है तो ऐसा ये तो पागल है तो हमेशा ही सोचता रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें हमेशा एक दूसरे को जो मिस्टेक्स हो रही है उसको बताना चाहिए ताकि वो वहाँ से इंप्रूवमेंट होकर सके। इसके साथ ही किसी का भी अगर टैलेंट सामने आ रहा है, मल्टीपल टैलेंट मतलब किसी भी बंदे में पढ़ने के अलावा और कोई स्किल का टैलेंट हो, खेलने का टैलेंट हो या फिर क्रिकेट के अलावा किसी और भी तरीके का टैलेंट हो सकते हैं, पेंटिंग का टैलेंट हो या फिर कोई आर्ट बनाने का हो, तो उन सबको उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उनको मोटिवेट करो कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई स्कोप नहीं है, इन्होंने किया था ये 5 में से 1 पास हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहो तो आप सब कुछ कर सकते हो। इसके बाद में बात ये आती है कि यूनेस्को का एक प्रोग्राम चलाया गया था वो है एशिया के अंदर, उसका नाम है यूनेस्को एशिया पैसिफिक रीजनल ब्यूरो ऑफ एजुकेशन। इसमें क्या रखा गया था इस कैंपेन में या इस प्रोग्राम में, इसमें रखा गया था हैप्पी स्कूल प्रोजेक्ट, मतलब स्कूल से उनको हैप्पी रखता है, बच्चे हैं स्कूल में जाए तो हैप्पी रहें। देखो बच्चे क्या कई बार स्कूल में लोड ले लेते हैं कि यार नहीं नहीं स्कूल जाना है यार बहुत बोरिंग क्लासे होंगी कुछ भी नहीं है, तो एटलीस्ट स्कूल को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाया जाए ताकि बच्चे खुद से कहें नहीं यार मैं स्कूल जाऊंगा, घर वालों को बोले कि नहीं नहीं मुझे स्कूल जाना है। तो मतलब स्कूल की जो आप बोल सकते हो कि जो क्वालिटी है या जो एजुकेशन सिस्टम है वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि बच्चे जानबूझ के स्कूल आए, ऐसा नहीं कि उनको धक्के देके स्कूल जाए। तो कहीं ना कहीं ये सब चेंज करना है तो उसके लिए हम एक तो योगा वगैरह अगर स्टार्ट करें तो बच्चों की मेंटेबिलिटी वो चेंज होगी और काफी हद तक जो गवर्नमेंट जो चाहती है वो अपने टारगेट को अचीव है वो कर सकती है। तो इसलिए योगा के काफी अच्छे बेनिफिट हैं वो हो सकते हैं। इसके बाद में देखो गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम भी चलाया था जिसका नाम है महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन फॉर पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट MGIEP। ये प्रोग्राम एक्चुअली ये करता था कि जो भी इंस्टीट्यूट वगैरह ना इनके द्वारा बच्चों को मतलब हेल्थी या हैप्पी रखने की तरफ फोकस वो करता था, जिस तरीके से यूनेस्को का जो प्रोग्राम था एशिया के लिए जिसका नाम था एशिया पैसिफिक रीजनल ब्यूरो ऑफ एजुकेशन, उसी तरीके से ये कैंपेन इंस्टीट्यूट खोला गया था ताकि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है उसमें काफ़ी जो कमी है उनको दूर किया जा सके और बच्चों को स्कूल की तरफ मोटिवेट हो किया जा सके। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे हैं।
इसके बाद में लास्ट में राइटर का ये कहना है कि देखो जो एग्जाम का मोटो है ना वो मार्क्स और जॉब के बेसिस पे नहीं होना चाहिए, एग्जाम का मोटो ये देखना चाहिए कि बच्चे का किस दिशा में टैलेंट है और कैसा कैसा उसका अच्छा स्कोर रहा है। देखो बच्चे क्या करते हैं, जैसे आपको बेसिक एग्जाम्पल ही बताता हूँ, इवन जब हम 10th क्लास में थे तो इवन आज भी होता है, ऐसा नहीं कि उसी टाइम की बात है, तो 10th क्लास में अगर बच्चे को साइंस में अच्छे मार्क्स आ गए तो हाँ ठीक है तो भाई ये साइंस लेगा, अगर उसके मार्क्स कम आ गए तो नहीं नहीं आर्ट्स ले ले, साइंस ले तेरे लाइक नहीं है, अगर बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स आए तो फिर ठीक है तू बायोलॉजी ले ले, मैथ्स में अच्छा स्कोर है तो नहीं तू मैथ्स लेगा, ऐसे डिसाइड होता था। तो वो सिस्टम नहीं होना चाहिए, हो सकता है कि बच्चे का किसी कारणवश अच्छा पेपर नहीं हो, उसका उस टाइम पे तबीयत कोई भी इश्यूज हो सकते हैं कि उसको पेपर सेट बहुत से इश्यूज देखो होते हैं तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप उसकी लाइफ कैरियर डिसाइड कर दोगे कि नहीं भैया तो अच्छा नहीं रहे इस स्कोर में, अच्छा नहीं रहेगा ये वगैरह सब कुछ, अगर हम चेंज चाहें तो करना कर सकते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट को भी इस समय फोकस करना चाहिए और गवर्नमेंट को भी जो अपनी पॉलिसी वगैरह है ना वो इसी के बेसिस पे बनाना चाहिए और हमारे एजुकेशन सिस्टम की जो नई डिमांड है उसके बेसिस पे हमारे एजुकेशन सिस्टम है उसको हमें चेंज करना चाहिए। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल के जो पॉइंट्स, कुछ मैंने आपको एक्स्ट्रा पॉइंट भी यहाँ पे बता दिए, आई होप आपको ये कुछ पॉइंट्स हैं वो अच्छे लगेंगे। अगला जो आर्टिकल है वो है मॉब वायलेंस के बारे में, मॉब लिंचिंग के बारे में, तो इसे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि मॉब लिंचिंग वगैरह का क्या सीन है। देखो कंटेक्स्ट कुछ ऐसा है कि अभी यूपी का केस लिया गया है, यूपी में एक कुसिम थे उनकी हत्या वो कर दी गई थी, क्यों कर दी गई थी क्योंकि ऐसा आरोप लगा उन पे, मतलब एक्चुअली किसी ने अफवाह फैला दी, रूमर्स फैला दी कि वो गाय की स्मगलिंग कर रहे हैं, और आपको पता है कि नॉर्थ इंडिया में जो काऊ प्रोटेक्शन विजिलेंस है उनकी काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी से आप बोल सकते हो कि उनका दबदबा बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कहीं भी गाय की हत्या का या गाय का भी कोई भी केस आता है तो उस मामले में काफ़ी सेंसिटिव मामला आ जाता है। और ऐसे बात नहीं कि वो पहली बार ही किसी की हत्या की गई है, इससे पहले भी हमने काफ़ी बार देखा कि गाय की स्मगलिंग के नाम पर बहुत से लोगों की जानबूझ की हत्या, मतलब इलीगल हत्या वो कर दी गई है, जो कि कहीं ना कहीं गलत होती है। मॉब लिंचिंग का मतलब क्या होता है, देखो जैसे कई बार हम जा रहे होते हैं किसी ने अगर कोई चोरी वोरी करने की कोशिश की तो क्या करती है भीड़, कोई भी बंदा अगर किसी ने पर्स मारने की कोशिश की तो भीड़ क्या करती है उस बंदे को पकड़ती है और अच्छे से मारवा के धो के और उसको मार डालती है, ये बात तो जान से, तो वो कहाँ का जस्टिस हुआ। राइटर वो चीज़ होती है मॉब लिंचिंग, मतलब भीड़ है वो खुद एक तरीके से जुडिशरी का काम करने लग जाती है कि हाँ भाई हम ही जज हैं और हम ही डिसाइड करेंगे, हाँ इसने गलती की है तो उसको मार डालो, भाई मारना कहाँ का इंसाफ हुआ, गलती की है तो बेसिकली जो भी हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो फ्रेमवर्क है कैसे उसको सजा मिलनी है वो चीज़ हमें फॉलो करनी चाहिए ना। अगर कोई आदमी चोरी कर रहा है तो ठीक है उसको उस टाइम पे पकड़ के पुलिस के पास सौंपो, फिर अकॉर्डिंग टू उसके जो स्टेप उठाने चाहिए, अगर हमारे लॉ एंड ऑर्डर में कमी है तो हमारे पॉलिटिशियंस को हमें अवेयर करवाना चाहिए ताकि अच्छा रिजल्ट हो आ सके। ऐसा थोड़ी है कि हाँ ठीक है किसी ने भी किसी का किडनेप वगैरह किया है या बोल सकते हो कि कुछ भी ऐसी चोरी वगैरह हुई तो आप उस इंसान को पकड़ो और उसको मार डालो, भाई मारने से थोड़ी इंसाफ होने वाला है। देखो अगर सोसाइटी के अंदर हमें रहना है और इसी के साथ हमें ऐसी कमियों को दूर करना है तो हमें वही बात है कि जिस इंसान ने गलती की है ना उसको मारने से कोई सोल्यूशन नहीं होने वाला है, उसका रीज़न आइडेंटिफाई करना चाहिए हमें कि भाई उससे गलती हुई क्यों है, उसके बाद हमें स्टेप उठाना चाहिए। अब देखो कई बार कुछ लोग गरीब होते हैं तो वो स्टेप उठा लेते हैं तो वो गलत है ना कहीं, तो उसके लिए उनको अवेयर करना चाहिए, हो सकता है कि कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉब्लम हो, उन चीज़ों को हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, उसके बाद में प्रॉपर सोल्यूशन होता है। और सबसे अहम बात क्या है, लॉ एंड ऑर्डर चीज़ को हमें माइंड में रखना है, अगर हम कुछ भी कर रहे हो तो उसे लॉ एंड ऑर्डर है, उसको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और अगर उसको कोई गलती कर रहा है तो ऑब्वियसली उसे पकड़ो और पुलिस के पास सौंप दो ताकि उचित एक्शन है वो लिया जा सके। इसके बाद में यहाँ पर जो बता रहा हूँ करंटली गेस यूपी का, ये बात देखो अकेले यूपी की नहीं है, इससे पहले हरियाणा में भी हुआ है, वेस्टर्न यूपी में भी काफ़ी सारे केसेस से सामने आते गए हैं कि भाई गाय वगैरह की तस्करी की जा रही है इसलिए लोग आते हैं और हत्या वत्या कर देते हैं कि गाय वगैरह एक साथ भीड़ में आके। तो राइटर का ये कहना है कि देखो इसमें जो सबसे बड़ी गलती है ना वो हमारे एडमिशन की है कि कहीं ना कहीं हमारा जो एडमिशन है वो कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहा है, मतलब हमारा प्रशासन है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ में पीछे रह रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो इसके लिए हमें प्रशासन को अवेयर करना होगा और हमारे प्रशासन को स्ट्रॉन्ग करना होगा। इसके एक बाद में एक अहम बात ये आती है कि देखो कहीं ना कहीं अवेयरनेस भी एक बहुत बड़ा इश्यू जाता है, कुछ लोग क्या करते हैं कि गलत अफवाह रूमर्स वगैरह फैला देते हैं और उसके बाद इशू और ज़्यादा गर्मा गर्मी में बिगड़ जाते हैं, तो सबसे पहले इन चीज़ों की तरफ हमें फोकस करना होगा। इसके साथ ही जो बात आती है काऊ प्रोटेक्शन विजिलेंस की बात आती है वो हमारे नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा ही एक्टिवेटेड है, तो उनके लिए भी हमें कुछ ना कुछ फ्रेमवर्क होना चाहिए। देखो अगर गाय वगैरह का तो उसके कोई प्रॉपर परमिट वगैरह होना चाहिए उसके बेसिस पर ताकि कोई इश्यूज ना हो, जैसे गाय को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा रहा है तो उसके लिए या तो कोई परमिट वगैरह बना दे गवर्नमेंट इजीली ताकि किसी को दिक्कत ना हो, जो स्लॉटर वगैरह का इश्यू भी नहीं माना जा सके। अब होता है कि कई बार कोई भी इंसान है वो एक जगह से गाय को दूसरी जगह लेके जा रहा है तो लोग सोचते हैं कि अच्छा स्मगलिंग करने के लिए या फिर इसका मतलब स्लॉटर हाउस में लेके जा रहा है, तो भीड़ आती है गाय गाड़ी वाड़ी को रोकती है और लोगों को मार पीट के चली जाती है, तो ये इंसाफ थोड़ी हुआ, ये तो एक तरीके से आप कहोगे तो दादागिरी होगी ना।
तो इन चीज़ों की तरफ हमारे प्रशासन को स्टेप उठाने चाहिए। इसके बाद में सबसे अहम बात यह आती है, देखो प्रशासन तो हो ही हो गया, अब आपको पता है कि लोकल एरिया का जो प्रशासन होता है ना, मतलब कि जो लोकल अथॉरिटी होती है उसकी कहीं ना कहीं कमी है इसमें। लोकल अथॉरिटी है वो ढंग से काम नहीं कर पा रही है। अगर लोकल अथॉरिटी टाइम टू टाइम इन चीज़ों की तरफ निगरानी वगैरह रखे तो ऐसे इश्यू सामने आ ही नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं हमारे लोकल अथॉरिटी है उसको उसके काम के प्रति अवेयर करवाना होगा, उसके बाद ही जो अच्छा रिजल्ट है वो हमें मिल सकता है। इसके बाद में सबसे अहम रोल आता है, आप बोल सकते हो कि फेक न्यूज़ वगैरह जो कि सोशल मीडिया उसमें बहुत इंपॉर्टेंट अपना योगदान है वो देता है। आपको पता है कि आज के टाइम पे फेक न्यूज़ इतनी ज़्यादा फैलती हैं आप पूछो मत। आप बेसिक से एक एग्जांपल दे सकते हो, इवन वो एग्जांपल मैं आपको पर्सनल लाइफ से बता रहा हूँ। आपने देखा होगा फेसबुक पे कई बार एक आता है कि ये फ्रूटी मत पीना, ये एक्चुअली इसमें एड्स का खून वगैरह मिला दिया गया, ब्लड वगैरह ऐसे ऐसे है। वो कम से कम वही मैं फोटो अप्रोक्सीमेट मेरे को देखते हुए 6 से 7 साल हो गई हैं, इससे ज़्यादा टाइम हो गया होगा, वो फोटो तब की घूमती रहती है। तो भाई ऐसा थोड़ी कि गवर्नमेंट ने उसके बाद एक्शन नहीं लिया। तो प्लीज़ आप लोग जब भी कुछ ऐसा केस होता है ना तो उनको थोड़ा आप ध्यान लीजिएगा। जब भी आप कोई सोशल मीडिया में कोई न्यूज़ पब्लिश कर रहे हो या फिर आप शेयर कर रहे हो तो आप देखो कि ये सही है या नहीं है। हमें देखो सेंटीमेंट में, हमें एक तरीके से आप बोल सकते हो कि इमोशन में होकर काम नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि प्रशासन, आप एक अच्छे सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हो तो उसके लिए काफ़ी अहम बात ही होती है कि हमें इमोशंस पे कंट्रोल रखना है। हम ऐसा नहीं कि हम इमोशन के आधार पे कोई भी डिसीजन ले लेंगे, अगर हम इमोशन के आधार पे डिसीजन लेंगे तो हम जस्टिस कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए वो चीज़ हमें इंप्लीमेंट होनी चाहिए, मतलब अगर हमें IAS बनना है तो पहले हमें IAS जैसे काम करना है। ऐसा नहीं है कि हम बस ठीक IAS बन जाएंगे उसके बाद हम हमारे में चेंजेस कर लेंगे, चेंजेस हमें पहले होना चाहिए और इंटरव्यू में वो सारी चीज़ें ही देखी जाती हैं। तो आप सोशल मीडिया में भी आप इस तरह की चीज़ें हैं उनको एक्चुअली काफ़ी ध्यान से रखिएगा। इसके साथ सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा एक तरह से फेक न्यूज़ फैलती रहती हैं और उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग वो फैलती रहती है। कई बार हिंदू मुस्लिम आप देख सकते हो, सिख ईसाई, ऐसे दंगे भड़काने के लिए काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। तो उन चीज़ों से हमें दूर रहना है और जो सच्चाई है उसकी तह तक हमें जाना होगा। तो ये कंप्लीट आर्टिकल यहाँ पे दिया गया है जो कि मॉब लिंचिंग के बेसिक में 2 पॉइंट ही कहे गए हैं। एक तो लोकल अथॉरिटी है हमारी, लोकल जो प्रशासन है, गवर्नेंस है, उसको स्ट्रॉन्ग करना होगा ताकि ऐसे इश्यूज है वो ना हो। इसके साथ ही जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होते हैं उनकी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी होती है कि वो अपने काम को ढंग से फॉलो करें। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल, अब चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो ट्रेड वॉर से है। ग्लोबल लेवल पे ट्रेड वॉर आपको पता है स्टार्ट हो गया है। अब ट्रेड वॉर में होता क्या है, सबसे पहले इसमें दो वर्ड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो होता है टेरिफ बैरियर और एक होता है नॉन टेरिफ बैरियर। इसको हम एग्जांपल से समझेंगे ताकि हमें और अच्छे से समझ में आए। देखो इंडिया है, आप एक एग्जांपल ले लो, इंडिया और चाइना के ले लेते हैं। इंडिया चाइना से चीज़ें इंपोर्ट करता है, नो डाउट। अब इंडिया चाइना से कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहा है, जैसे इंडिया एग्जांपल मान लो चाइना से इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम लैपटॉप इंपोर्ट कर रहा है, चाइना से इंपोर्ट इंडिया में भेजा जा रहा है, ये मान लो कि चाइना उसको 100 रुपये के हिसाब से इंडिया में भेज रहा है। अब आपको पता है कि गवर्नमेंट उस पर कुछ कुछ ना कुछ ड्यूटी वगैरह लगाती है, कस्टम ड्यूटी हुई या फिर और तरह के चार्जेज वगैरह वहाँ पर लगाती है ताकि गवर्नमेंट को भी उससे रिवेन्यू हो और सारा काम चलता रहे। अब ये मान लो कि उस पर गवर्नमेंट ने 10% ड्यूटी लगाई तो कितना होगा, इंडिया में वो 110 रुपये का मिल रहा है, ठीक है कोई बात नहीं है। अब होगा क्या, गवर्नमेंट अगर ये कर दे कि भाई इस पर जो कस्टम ड्यूटी लगा रही है गवर्नमेंट वो कर दे 50%, मतलब वो लैपटॉप इंडिया में 150 रुपये का मिलेगा, तो कहीं ना कहीं काफ़ी डिफरेंस होगा ना। देखा जाए तो 100 रुपये का लैपटॉप है और इंडिया में 150 का मिल रहा है, या फिर कई बार गवर्नमेंट ये कर दे कि 100% ये और लगा दी तो मतलब 100 रुपये का लैपटॉप था इंडिया में 200 रुपये का मिल रहा है। तो ये क्या होगा, एक तरह ये टैरिफ बैरियर होगा, मतलब टैरिफ रेट डाल देती है गवर्नमेंट, कस्टम ड्यूटी वगैरह को इंक्रीज कर देती है ताकि चीज़ें कम आएँ। अब आपको पता है कि 100 का लैपटॉप अगर इंडिया में 200 में आएगा तो लोग कम खरीदेंगे थोड़े, कि नहीं नहीं यार महंगा है, गवर्नमेंट ने ज़्यादा टैक्स वगैरह लगा रहा है तो हम कम खरीदें। तो एक तरह इस टाइप चीज़ होती है टैरिफ बैरियर, मतलब किसी दूसरी कंट्री का जो इंपोर्ट होता है उसको रोकने के लिए या उस पर लिमिट लगाने के लिए टैरिफ बैरियर का यूज़ है वो मेनली किया जाता है। जैसे इंडिया चाहता है कि यार चाइना से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक सामान आए तो क्या करेगा इंडिया, इंडिया कस्टम ड्यूटी वगैरह को बढ़ा देगा ताकि इंडिया में ज़्यादा सामान ना सके और इंडिया में चीज़ें चाइना की चीज़ें महंगी हो जाएंगी। तो ये भी एक तरह का बैरियर होगा ना, मतलब बाधा लगा दी गई है, तो ये ट्रेड वॉर इससे छिड़ जाता है। कैसे छिड़ेगा वो भी हम देखेंगे। डंपिंग ड्यूटी वो भी कुछ ऐसी होती है, डंपिंग ड्यूटी में मेनली ये डिफरेंस होता है कि जैसे चाइना ने ये मान लो कि मोबाइल प्रोड्यूस किया और वो मोबाइल उसकी कॉस्ट है मान लो 1000 रुपये, बस देखिए टेक्निकली सही नहीं है बट मैं मोटा मोटा एग्जाम्पल सा बता रहा हूँ। खैर ये मान लो कि 1000 रुपये का चाइना ने मोबाइल प्रोड्यूस किया, अब चाइना अपनी खुद की कंट्री में तो उसको बेच रहा है 1100 रुपये में जबकि इंडिया में उसको भेज रहा है 800 रुपये में। अगर चाइना ऐसा करेगा तो इंडिया क्या करेगा, इंडिया उस पर डंपिंग ड्यूटी लगा देगा कि नहीं नहीं भाई आप तो डंप कर रहे हो हमारे देश में ताकि हमारे देश के जो मैन्युफैक्चरर मोबाइल प्रोड्यूसर हैं उनको नुकसान हो जाए। तो इंडिया उस पर 10% 100% 15% जैसे भी ड्यूटी वगैरह लगा देता है ताकि जो प्राइस है वो मेंटेन हो जाए और इंडिया के जो बोल सकते हो आप जो प्रोड्यूसर है, इंडिया की जो कंपनी है उनको लॉस ना हो। तो ये तो होते हैं टैरिफ बैरियर मेनली।
अब बात आती है नॉन टेरिटेरियल। नॉन टेरिटेरियल में क्या होता है, गवर्नमेंट कोई ऐसा मतलब कस्टम ड्यूटी वगैरह नहीं बढ़ाती है, इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ अंगुली करती है। कैसे, जैसे कि क्वालिटी का बहाना मार देते हैं। जैसे इंडिया कहते हैं कि नहीं भाई, चाइना से जो लैपटॉप आ रहे हैं वो हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड के सही नहीं है, हमें ऐसे ऐसे चाहिए और चाइना ऐसे ऐसे नहीं बना के दे रहा है, तो मतलब हमारे जो स्टैंडर्ड हैं वो काफ़ी हाई हैं तो इसलिए हम चाइना से नहीं खरीद सकते। या फिर ऐसे लिमिट लगा दें कि देखो भाई हर साल हम चाइना से केवल 100 लैपटॉप ही खरीदने वाले हैं, तो 100 लैपटॉप हो गए, अब हम नहीं खरीदेंगे आगे ऐसे। या फिर एक ही बार ये इशू होता है कि चाइल्ड लेबर का बहाना दे देते हैं कि देखो भाई चाइना है वो चाइल्ड लेबर का यूज़ कर रहा है और हम चाइल्ड लेबर को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो अगर ऑब्वियसली चाइना के जो लैपटॉप हैं वो चाइल्ड लेबर से बन रहे हैं, मतलब चाइल्ड है वहाँ पे मिलकर काम कर रहे हैं, इसलिए हम वो लैपटॉप नहीं खरीदेंगे। तो इस तरह के बहाने होते हैं, वो होते हैं नॉन टेरिटेरियल। हुआ क्या था, कुछ टाइम पहले ही, उन आज से 3-4 साल पहले की बात है शायद ये, यूके ने एक्चुअली इंडिया के जो हाफूस आम है ना, जो कि मेनली महाराष्ट्र में काफ़ी फेमस है, उन आमों पे एक्चुअली बैन लगा दिया था। वो कौन से तहत लगाया था, नॉन टेरिफ बैरियर पे। इंडिया ने कहा था कि क्वालिटी सही नहीं है, इंडिया है वो चाइल्ड लेबर वगैरह का यूज़ कर लेता है, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल वहाँ पे दे दिए थे। इवन एक बार जैसे इंडिया के हैंडीक्राफ्ट चीज़ें थी उन पर भी यूएसए ने बैन लगाया था। इंडिया यूएसए ने कहा था कि भाई जो हैंडीक्राफ्ट चीज़ें हैं उसमें इंडिया चाइल्ड लेबर का यूज़ करता है, इसलिए हम उसको नहीं खरीदेंगे। तो ऐसे इस तरीके के जो काम होते हैं वो होते हैं नॉन टेरिफ बैरियर में। अब आपको बताएं, अगर इस तरीके से इंडिया लिमिट लगा देगा चाइना की चीज़ों के ऊपर, मतलब एक तरीके से लिमिट तो लगाई दी ना, चाहे टेरिफ बैरियर या नॉन टेरिफ बैरियर की वजह से, कि भाई हम चीज़ें कम खरीदनी है। टेरिफ बैरियर का मतलब भी तो ये होना घूम फिर के कि हमें चीज़ें कम खरीदनी, क्यों महंगी कर दी, अब ऑब्वियसली महंगी चीज़ों को खरीदेगा नहीं, इसलिए बैरियर लग गया। तो इस तरीके से ट्रेड वॉर से छिड़ जाता है। जैसे कि अभी रिसेंटली चाइना और यूएसए के बीच में स्टार्ट होता, फिर ये पूरी कंट्री पूरे वर्ल्ड में फैलता जा रहा है। यूएसए ने क्या किया था, अपनी जो डोमेस्टिक स्टील इंडस्ट्री है ना उसको बचाने के लिए क्या किया, चाइना का जो तो सस्ता स्टील था ना उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया। अब ऑब्वियसली चाइना का स्टील है वो कम जाएगा यूएसए में, तो इसे चाइना को आपत्ति हुई कि यार हम तो सही रेट में सस्ता भेज रहे हैं फिर भी यूएसए ने हमारे खिलाफ टैक्स बढ़ा दिया। तो फिर चाइना ने क्या किया, चाइना ने यूएसए के जो प्रोडक्ट थे जो कि चाइना में इम्पोर्ट होते हैं उनके ऊपर ड्यूटी बढ़ा दी चाइना ने, कि नहीं भी हम भी यूएसए के प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। तो इससे हुआ क्या, एक कंट्री के प्रोडक्ट दूसरी कंट्री में प्रोडक्ट बहुत कम जाएंगे। तो इस तरीके से ट्रेड का जो हाल वो खराब हो गया ना, मतलब ग्लोबलाइजेशन को इफेक्ट होगा, ग्लोबलाइजेशन ढंग से काम नहीं कर पाएगा, एक कंट्री के प्रोडक्ट दूसरी कंट्री में ढंग से नहीं जाएंगे, तो इसका काफ़ी हद तक नुकसान है वो हो सकता है। तो ये सारा सीन है वो चल रहा था। तो इस बात को यहाँ पर एडिटर वो डिस्कस कर रहे हैं कि चाइना और यूएसए के बीच में स्टार्ट हुआ, फिर कनाडा भी इसमें शामिल हो गया, जापान भी, यूरोपियन यूनियन, इवन इंडिया भी इसमें अब शामिल है हो चुका है, मतलब सब ट्रेड वॉर में कूद पड़े हैं और फायदा किसी को नहीं होने वाला है, नुकसान सबको होगा। केवल जो पॉलिसी है उससे ऐसा नहीं कि कुछ टाइम के लिए फायदा हो, बस अपने मन को शांति मिलने वाली है, बाकी ऑल ओवर नुकसान ही होने वाले। इसके बाद में बात की जा रही है G7 की मीटिंग की। G7 की मीटिंग का देखो ये बताया जा रहा है कि अभी जो टॉप कंट्रीज थी वर्ल्ड की, टॉप लेवल की जो कंट्रीज हैं, टॉप इकोनॉमी वाली, जिसमें यूएसए, यूके वगैरह, कनाडा वगैरह जो कंट्रीज आते हैं, जापान वगैरह, इनकी भी मीटिंग हुई थी। और उस मीटिंग में भी आपको पता है कि अच्छा रिजल्ट नहीं मिला था मेनली। क्यों नहीं मिला था, क्योंकि उस मीटिंग में भी आपस में सर्वसहमति नहीं बनी थी ट्रेड को लेकर। और उस G7 की मीटिंग में एक वर्ड आया था, वो था रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम, मतलब जो रूल है उसके बेसिस पर ट्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए, जो रूल बना दिए उसके आधार पर ट्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए। बट यूएसए ने इस चीज़ को सपोर्ट नहीं किया, यूएसए ने कहा नहीं भाई हम हमारे रूल खुद बनाएंगे, मतलब हम हमारे अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमें ये चीज़ें बाहर से लेनी है नहीं लेनी, उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। मतलब बात यह है कि यूएसए अपनी मनमर्जी कर रहा है और उसकी वजह से ट्रेड वॉर्स है वो पूरा छिड़ गया है, सारा माहौल है वो गर्मा गर्मी में चला गया है। तो ये थी कंप्लीट जो आर्टिकल मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब चलते हैं हम आगे। अगला जो आर्टिकल हुआ है दिल्ली के फुल स्टेट को लेकर, कि भाई दिल्ली को क्या फुल स्टेट बना देना चाहिए या नहीं बना देना चाहिए। तो हाँ के पक्ष में मनीष सिसोदिया जो आपको बताइए वो साहब कह रहे हैं कि हाँ जी बिल्कुल बना देना चाहिए। क्यों बना देना चाहिए, क्यों, उनका सबसे पहला पॉइंट ये है कि डेमोक्रेसी का पॉइंट वो ये देते हैं कि देखो दिल्ली में इलेक्शन हुए, ऑब्वियसली आपको पता है आम आदमी की सरकार आई, अब डेमोक्रेसी में जनता का रूल होता है तो मतलब आम आदमी की पार्टी की सरकार आई है तो ऑब्वियसली आम आदमी पार्टी यहाँ पर ढंग से काम करनी चाहिए। बट हो क्या रहा है, दिल्ली में एक्चुअली जो लॉ एंड ऑर्डर है जो वो एक्चुअली आपको पता है कि दिल्ली गवर्नमेंट के पास नहीं है। इसके साथ ही देखा जाए तो काफ़ी सारे सेक्टर हैं वो दिल्ली के मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। क्यों, क्योंकि दिल्ली है यूनियन टेरेटरी। तो मनीष सिसोदिया का ये कहना है कि देखो डेमोक्रेसी है वो ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रही है और डेमोक्रेसी के तहत है हमारी जिम्मेदारी, मतलब आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी होती है कि वो यहाँ पर ढंग से काम करे फिलहाल के रूल के अकॉर्डिंग। तो इसलिए हमें पॉलिसी वगैरह को इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी दिक्कत आ रही है, पॉलिसी पैरालिसिस हो चुकी है, इसलिए दिल्ली को फुल स्टेट बना देंगे तो इससे क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं रहेगा और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ढंग से काम कर पाएगी। तो उनका पॉइंट दिया जाता है ये। देखो तो एग्जाम में हमें पॉलिटिकली पॉइंट नहीं लिखना है, बस एग्जाम में आप ये लिख सकते हो कि डेमोक्रेसी का पॉइंट है कि हाँ भाई दिल्ली में जो भी पार्टी इलेक्ट होती है वो ढंग से काम करे। बट अभी दिल्ली में जो गवर्नमेंट है उसके पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जो यहाँ भी पुलिस है वो भी होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, तो इसलिए काफ़ी सारी दिक्कत का इन्हें सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद नो के पक्ष में जो पॉइंट आते हैं उनको भी हम देख लेते हैं। नो के पक्ष में पॉइंट की बात देखो ऐसी है, सभी जो भी कंट्रीज होती है ना उनकी जो भी कैपिटल होती है, मतलब सभी कंट्रीज की कैपिटल होती है वो यूनियन टेरेटरी होती है वहाँ की,
क्योंकि आपको पता है कि कैपिटल के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ही होती है, वो एक्चुअली वहाँ पे मैन लीड है, वो करती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट तो रिप्रेजेंट करती है ना हमेशा हर कंट्री को। तो इसलिए दिल्ली के अंदर दिल्ली यूनियन टेरेटरी है और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो काम करती है, कोई बात नहीं है, काम ढंग से चल रहा है। इसके बाद में देखो एक बात अहम ही आती है, दिल्ली है ना वो एक तरीके से ऐसा नहीं है कि एक यूनियन टेरेटरी है, इसके अलावा एक अहम पॉइंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का घर भी है दिल्ली। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की आप बोल सकते हो ऑफिसेज वगैरह देख सकते हो, इवन प्रेसिडेंट हाउस जो और भी देख सकते हो, प्राइम मिनिस्टर हाउस, सारे मतलब घर वगैरह आप एमपी एमएलए जो भी सारे हैं वो यहीं पे ही हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हस्तक्षेप यहाँ पे ज़्यादा है। तो अगर आप स्टेट के अंदर दे दोगे सारा डोमेन, तो ऑब्वियसली स्टेट कहीं ना कहीं स्टेट और सेंट्रल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा बेसिकली, ज़्यादा और हो जाएगा। आपको पता है देखो अगर स्टेट सेंट ऐसा तो नहीं हो सकता ना कभी कि स्टेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर रूल करे, क्योंकि सेंट्रल तो सबसे ऊपर रहता है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि पहले यहाँ पे जो सारी ऑफिसेज वगैरह वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर दे दिया जाए, तो इसलिए वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। इसके बाद में एक अहम बात यह है कि दिल्ली है वो बाकी अदर कंट्रीज़ को भी यहाँ पे एक तरह से रिप्रेजेंट करने का मौका देता है। अगर स्टेट होगा तो वो अपने अकॉर्डिंग अपने दायरे के बेसिस में रह के काम करेगा, जबकि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरे मतलब सेंटर के बेसिस पे काम करती है, पूरे देश को लेके चलती है। यहाँ पे अगर स्टेट बना दिया जाएगा तो पर्टिकुलर किसी आइडियोलॉजी की तरफ ज़्यादा फोकस रहेगा, सेंटर है तो ऑब्वियसली सभी तरह के लोगों को सपोर्ट मिलता है, तो कोई इश्यूज़ वगैरह यहाँ पे नहीं रहेंगे। बाहर की जो और कंट्रीज़ हैं उनके एम्बेसी वगैरह दिल्ली में ही है। इसके साथ ही जैसे मैंने बताया कि कोई मीटिंग या समिट वगैरह होता है तो वो भी दिल्ली में होता है। तो अगर ऐसे मौके में अगर आप जैसे एक चीज़ बताता हूँ एग्जाम्पल्स के तहत, एक खैर आर्टिकल में ही दिया गया है, बस केवल आपको बता रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर किसका काम होता है? स्टेट का काम होता है। अगर दिल्ली को फुल स्टेट बना दिया मतलब क्या हुआ, लॉ एंड ऑर्डर या पुलिस का काम आ गया स्टेट के अंदर। इसके बाद अगर सोचो कि दिल्ली में कोई भी मीटिंग होने वाली है और लॉ एंड ऑर्डर के उन्होंने कह दिया कि नहीं भाई हम मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो क्या वो मीटिंग नहीं होगी इंटरनेशनल लेवल की? तो उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा नुकसान होगा ना, देश की वैल्यू डाउन हो जाएगी कि यार देश है वो सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करवा रहा, जबकि स्टेट तो कह देगा नहीं भाई हम तो नहीं प्रोवाइड करा सकते, तो वो कहीं ना कहीं गलत बात है ना। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट अपना हस्तक्षेप यहाँ पर रखना चाहती है कि भाई देखो इंटरनेशनल लेवल की बात होती है, अगर नेशनल लेवल की बात हो तो कोई इशू नहीं होता है, इंटरनेशनल मुद्दा है, इसलिए हम दिल्ली को फुल स्टेटस का वो नहीं दे सकते हैं। और इसके बाद में ये कहा जा रहा है कि अगर दिल्ली को फुल स्टेटस दे दिया गया देश मतलब स्टेट का, तो उसका नुकसान एक ही हो जाएगा कि दिल्ली के पास पावर बढ़ जाएंगी, मतलब जो यहाँ पे गवर्नमेंट है उसके पास, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी यहाँ पे रहेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के बीच में लड़ाई होगी, तो विवाद और ज़्यादा गंभीर हो जाएगा। ये दाते हैं नो के बक्से पॉइंट। कॉम्प्लिकेटेड भाई साहब का यह कहना है कि देखो दिल्ली है ना वो ऐसा नहीं कि अकेले, दिल्ली NCR में मतलब आपको पता कि हरियाणा का एरिया भी कुछ आता है, यूपी का एरिया भी कवर होता है, और यूं राजस्थान का भी कुछ एरिया आता है। तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक दो ये तीन स्टेट हैं इनके कुछ एरिया पे भी एक तीसरा स्टेट अपना अधिकार जमाए, तो वो चीज़ थोड़ी पॉसिबल नहीं है। कैपिटल है तो फुल स्टेट का दर्जा देना काफ़ी कॉम्प्लिकेट है, हमें इसके ऊपर जो भी मिल बैठ के बातचीत करके सोल्यूशन है वो लेके आना चाहिए। तो ये था कम्प्लीट आर्टिकल जिसके मैंने आपको सारे पॉइंट है वो यहाँ पे बता दिए हैं। PDF है वो नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था सुबह भी कि फेसबुक पे वेलकम UPSC का पेज है, वहाँ पे आप जाके PDF को डाउनलोड है वो कर सकते हो, यहाँ पे आपको सभी तरीके की PDF है वो मिल जाएंगी। तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।